नमस्ते। नमस्कार। आज हमें भाई राजेंद्र अग्निहोत्री जी ने मन की आवाज़ अपने जो पेज है उसके तहत नारी सशक्तिकरण पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि जो भी महिलाएं बोलना चाहें वो अपना वीडियो बना के भेज सकती हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं महिलाओं के बारे में कुछ उनके सशक्तिकरण के बारे में अपनी राय व्यक्त करूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिला है जिसकी वो हकदार है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको हर काम दूसरों के हिसाब से करना पड़ता है और इसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया जाता है। तो क्या हमारे भारतीय संस्कृति में ये लिखा है कि महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं है? कई घरों में आज भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यही कारण है कि हमारा देश आज तरक्की नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, लेकिन जब तक हम मानसिक रूप से उसे वो सम्मान वो अधिकार नहीं देंगे तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं होगा। आखिर महिलाएं इतनी मजबूर क्यों हैं? खुद सारी दुनिया की जननी होके वो अपनी पहचान क्यों नहीं बना पा रही हैं? अपनी पहचान से इतनी दूर क्यों हैं? क्यों महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अपने घर की महिलाओं के बारे में नहीं सोचते कि वो उतना सम्मान दें जिसकी वो हकदार है? माँ बाप अपनी बेटी को जितना प्यार से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी शादी करते हैं और उसके बाद उनको विदा कर देते हैं, पर क्या शादी के बाद भी हमारे घर की जो बेटियां हैं जो उनकी घर में महिला बन के प्रवेश करती हैं, बहू बन के प्रवेश करती हैं, वो उतनी ही स्वतंत्र रह पाती हैं? क्या उनको उतनी ही स्वतंत्रता दी जाती है? क्या उनका उतना ही सम्मान होता है जितना उनका उनके माता पिता के घर में था? क्यों सारे परिवार को अपना बनाने के बाद भी उसके सारे हक खो दिए जाते हैं? क्यों सारे परिवार का ख्याल रखने के बाद भी उसके जज्बातों को समझने वाला कोई नहीं होता? क्यों शादी के बाद सारे घर को अपना बनाने के बाद भी उसे वो अपना घर नहीं लगता है? क्यों शादी के बरसों बाद जिस घर में वो रहती है उसके बदले उसके माँ बाप का घर उसे अपना लगता है? क्यों सारे नियम कायदे कानून महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं जिससे उनके अंदर गलती करने की गुंजाइश नहीं रहती? क्या पुरुषों का फर्ज केवल इतना है कि वो केवल पैसे कमाएं? क्या किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के बाद उसकी भावनाओं का, उसके सुख का, उसके दुख का, उसके विचारों का सम्मान करने का फर्ज नहीं है? क्या उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी कमियों को जिम्मेदारी उठाने का फर्ज किसका है? जो लड़की हमारे घर में दूसरे के यहाँ से आती है वो हमारे घर की अच्छाई और बुराई दोनों को अपनाती है, फिर हम उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को क्यों नहीं अपना पाते हैं? तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को वो सारे नियम कानून अधिकार दिए जाएं जिनकी वो अधिक हकदार है। सीधे शब्दों में कहें तो वो सारे नियम कानून कायदे जिनसे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं वही महिला सशक्तिकरण है। महिलाएं इतनी सशक्त हों कि वो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर फैसले स्वयं ले सके तथा परिवार और समाज में अच्छे से रह सके, यही महिला सशक्तिकरण है। समाज में महिलाओं को वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने योग्य बनाना ही या उसमें सक्षम बनाने का काम ही महिला सशक्तिकरण है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और भाई राजेंद्र अग्निहोत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद।